नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत के महात्म के बारे में। क्या होता है अहोई अष्टमी व्रत और किस प्रकार इस व्रत को किया जाना चाहिए। कार्तिक मास में जो कृष्ण पक्ष होता है, यह पूरा पक्ष जो है तिथि त्योहारों की भरमार रहती है इस पक्ष में, जिसमें करवा चौथ और अहोई अष्टमी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले दो बहुत विशेष और महत्वपूर्ण पर्व होते हैं, जिनको मनाते हुए महिलाएं जहां शास्त्रीय एवं लोकरीति पूर्वक व्रत और उपवास करती हैं, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा भी इन्हें उत्सव का रूप प्रदान करती हैं। इन दोनों उत्सवों में जहां परिवार के कल्याण की भावना भरी हुई होती है, वहीं सास के चरणों को तीर्थ मान करके उनसे आशीर्वाद लेने की प्राचीन परंपरा आज भी देखने को मिलती है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो होती है वह अहोई अष्टमी अथवा आम बोलचाल की भाषा में आठें कहलाती है। वस्तुतः यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को संतान वाली स्त्रियां करती हैं, खासतौर पर पुत्र संतान जिनके होते हैं, वह अपने पुत्र संतान की रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अहोई अष्टमी का व्रत जो है छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों का चित्र बना करके भी पूजते हैं। कैसे करें अहोई अष्टमी व्रत, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के मन में प्रश्न होता है, उससे संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से इस व्रत को किया जाना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों में इस व्रत को करने के लिए क्या विधान बताया गया है। जिन स्त्रियों को यह व्रत करना होता है वह दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई माता का चित्र रंग करके, रंग भर करके उन्हें बनाती हैं। उसी चित्र के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजारों में अहोई के चित्र रंगीन कलर्ड पेपर्स पे, रंगीन कागजों पर बनाए प्रिंटेड पेपर्स मिलते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, जटिल प्रक्रिया होती है, तो बहुत आसान होता है बाजार से वो पूरा पोस्टर खरीद के ले आते हैं और पूजा स्थान में उन्हें लगा करके उनकी पूजा कर लेते हैं। इस प्रकार से भी इस विधान को आप पूरा कर सकते हैं। संध्या के समय में सूर्यास्त होने के बाद जब तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। पूजन से पहले जमीन को स्वच्छ करके, पूजा का चौक पूर करके, एक लोटे में यानी कलश बना करके उस कलश में जल से परिपूर्ण करते हैं। उसको जल भर करके कलश की भांति चौकी पर एक कोने पर रखना चाहिए और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। बाल बच्चों के कल्याण की कामना के साथ इस पूरी पूजा को संपादित करना होता है। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा जो है उसे भी श्रद्धा भाव के साथ सुनना चाहिए। किसी भी व्रत में उससे जुड़ी हुई जो पौराणिक, जो शास्त्रीय कथा है, उसको सुनने का महात्म सबसे ज्यादा होता है। इसमें एक खास बात यह भी है कि पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दो मोती डाल करके उसका विशेष पूजन किया जाता है, यानी स्याऊ का विशेष पूजन करना चाहिए। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से बने हुए चावल से पूजा की जाती है। जल से भरे लोटे पर स्वस्तिक बना लेना चाहिए। एक कटोरी में हलवा तथा कुछ दक्षिणा रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर के अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला जो है वह गले में धारण करनी चाहिए। जो दक्षिणा आपने निकाल करके रखी है कटोरी में, जो आपने पैसे रखे थे, उसे अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श कर करके उन्हें दे देना चाहिए, उन्हें भेंट करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को यानी चंद्रदेव को जल चढ़ा करके, तारों को देख करके, जल चढ़ाने के बाद भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत पर धारण की गई माला को दीपावली के बाद किसी शुभ अहोई में यानी अष्टमी की तिथि में गले से उतार करके, उसका गुड़ से भोग लगा करके और जल की छींटे दे करके, मस्तक से स्पर्श करके यानी सिर से छुआ करके आपको अपने पास रख लेना चाहिए। सासू माँ को रोली तिलक लगा करके चरण स्पर्श करते हुए कुछ आपको उनको भेंट उपहार देना होता है। इस प्रकार से इस व्रत को आपको उद्यापन करना होता है। तो ये तो रही अहोई अष्टमी के व्रत को करने की विधि।
अब जानते हैं कि किस प्रकार आप अपने परिवार के कल्याण के लिए, खासतौर पर संतान के कल्याण के लिए अहोई अष्टमी पर कुछ विशेष उपाय कर सकें, कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय करके आप अहोई अष्टमी का लाभ ले सकें। आपको करना ये चाहिए कि अपने बच्चों के कल्याण और बच्चों के दीर्घायु के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ विशेष उपाय करें, क्योंकि ये अहोई अष्टमी की तिथि बच्चों के सौभाग्य से जुड़ी हुई है। अगर इस तिथि पर माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए कुछ विशेष उपाय करती हैं तो निश्चित ही उस बच्चों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और आपका परिवार जो है वह सुखी और संपन्न रह सकता है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से विकास करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही बहुत सरल और बहुत चमत्कारी उपाय। अष्टमी की जो तिथि है मूलतः देवी भगवती की तिथि होती है, तो अष्टमी की तिथि में जब आप एक तरफ अहोई अष्टमी की पूजा कर रहे हैं, व्रत आपने पहले से रखा हुआ है, तो आपको करना ये चाहिए कि माँ भगवती को प्रसन्न करें। और माँ भगवती प्रसन्न किससे होती है? जो माँ पार्वती का स्वरूप है। कोई भी माता प्रसन्न होती है जब आप उसके पुत्र की पूजा अर्चना करें या उसके पुत्र को आप प्रसन्न करें, उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाएं। तो इस स्थिति में यदि आप देवी पार्वती का पूजा आराधना करने के साथ साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा आराधना करते हैं, कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित ही आपके बच्चों को बहुत अच्छा उससे फायदा मिलता है, बच्चों का कल्याण होता है। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी की तिथि में आप किस प्रकार से कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। करना ये चाहिए कि कोई भी माता नारियल चुनरी लेकर के उसके साथ कुछ मिष्ठान ले ले। मिष्ठान में आपको प्रयास ये करना चाहिए, खासतौर पर बेसन के मोदक आप लें और कुछ दूरवा लें। तो ये सारी सामग्री लेकर के आपको अपने घर के आसपास किसी भी देवी के मंदिर में, या फिर भगवान शिव का अगर कहीं मंदिर है, शिव पार्वती का मंदिर है आपके घर के आसपास, वहाँ आपको जाना चाहिए। ये नारियल और चुनरी आपने जो ली है ये माता के चरणों में आप अर्पित करें। ये नारियल और चुनरी माता के लिए है और उसके साथ साथ बेसन के मोदक और जो आपने दूरवा ली थी वह भगवान गणेश के लिए है। जो नारियल और चुनरी आपने ली है वो माता के चरणों में अर्पित करके वहां बैठ करके ओम दुम दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। इस मंत्र से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अब आप भगवान गणेश को दूरवा और मोदक अर्पित करें। प्रयास ये करना चाहिए कि दूरवा आप जो लेकर के आए हैं वो कम से कम 3 दल वाली 21 दूरवा हो, यानी उसमें 3 पत्तियां हो और 21 दूरवा हो। एक एक दूरवा आप चढ़ाते जाएं और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते जाएं। उसके बाद अब आपको दूरवा अर्चन करना है। कम से कम 21 दूरवा होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य अनुसार 51 मिल जाती है, 108 मिल जाती है तो और भी अच्छा होगा, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम 21 जरूर रखनी चाहिए। 21 दूरवा लीजिए। एक एक दूरवा चढ़ाने में आपको ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करना है। जब आप 21 दूरवा पूरी चढ़ा लें तो फिर वहां बैठ करके फिर से पुनः एक बार 108 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए। जब ये जाप पूरा हो जाता है आप वहां से उठें, देवी भगवती को, भगवान गणेश को, महादेव शिव को, कार्तिकेय जी को सबको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और अपने बच्चों के कल्याण के लिए, अच्छे विकास के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस छोटे से उपाय से आप अनुभव करेंगे कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका बच्चा नौकरी योग्य है, उसने अभी अभी पढ़ाई अपनी समाप्त की है, कंप्लीट की है और नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, बहुत प्रयास के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिल रही या नौकरी मिलते ही छूट जाती है, इस एक छोटे से उपाय से, 10 मिनट के इस उपाय से आप अनुभव करेंगे कि आने वाले कुछ ही समय में बहुत अच्छी नौकरी उसे मिलेगी। और अगर अभी पढ़ाई योग्य बच्चा है, पढ़ाई करता है, विद्यार्थी है, तो उसको पढ़ाई में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप इस भोग को, इस प्रसाद को कुछ वहाँ से प्रसाद उठाइए, घर आकर के जब आप व्रत खोल लें तो बच्चों के साथ बांट करके स्वयं भी लीजिए। आपका भी कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होने के साथ साथ विकास भी होगा। तो ये अष्टमी पर, खासतौर पर अहोई अष्टमी को किया जाने वाला बहुत ही विशेष उपाय है। इसको किसी भी माता को अपने परिवार और अपने बच्चों के कल्याण के लिए अवश्य करना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ कि अहोई अष्टमी का पर्व आपके घर में ढेरों खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।